वेलकम बच्चों। सो लास्ट टाइम में हमने देखा था क्या चीज़, तो ये देखो आप, यहाँ पर हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस ये था, ठीक है। थोड़ा सा उसके पहले अगर चलते तो हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें ये भी देखी थी, जैसे हमारे पास में ये चीज़ है, ठीक है, कौन सी, कि अगर मान लीजिए कि इंटीग्रल फ्रैक्शन अगर दे दिया जाए, यानी ए इंटीजर बी बाय सी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनका मल्टीप्लीकेशन करते, ठीक है, और यहाँ पर जो भी आंसर आएगा इसका उसके हम एडिशन करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर वैसा ही रखते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पर ए इंटू सी प्लस बी अपॉन सी करेंगे, ठीक है, जो भी आंसर आएगा, जहाँ पे मैंने आपको समझाया भी था किस तरह से लेना है, तो ठीक है। फिर उसके बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन के देखो, उसके पहले तो रूल्स तो हमने देखे ही थे, कौन से रूल्स ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन, रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है, क्या था, सेम साइन एडिशन आंसर को गिवन साइन, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन आंसर को बड़े का साइन, सब्ट्रैक्शन करते समय बड़े में से छोटा माइनस करना, ठीक है। फिर उसके बाद रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या था, सेम साइन पॉजिटिव डिफरेंट साइन निगेटिव, ठीक है, ये था। और फिर हमारी जो हेडिंग थी वो हेडिंग थी हमारी कौन सी, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। तो जो फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शंस की एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसके ऊपर हमारे पास में दो पॉइंट है, कौन सा, कि हमारा फोकस जो रहता है वो फोकस कहाँ पे रहता है, हमारा डिनोमिनेटर पे। देखो तो पहला पॉइंट क्या था, डिनोमिनेटर सेम हो तो डायरेक्ट न्यूमरेटर्स की एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करना, ठीक है, और डिनोमिनेटर वैसा ही रखना, ये चीज़ हम पढ़े। उसके बाद में यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी थे, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो वैसे ही रखा, ऊपर ऊपर एडिशन किया, ठीक है, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन था, ऊपर ऊपर सब्ट्रैक्शन किया, ठीक है, माइनस कर दिया उसको। लेकिन जब सेकंड पॉइंट था, यहाँ पर चेक करो आप, ये जो सेकंड पॉइंट है कि डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऊपर एंड नीचे वाला मल्टीप्लीकेशन नीचे, जैसे यहाँ पर इनका डिनोमिनेटर अलग है तो पहले क्रॉस किया तो 7 4 28, 5 3 15 और 7 5 35, इस तरह से सॉल्व किया था, ठीक है। यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा का एग्जाम्पल लिया था इंटीग्रल फ्रैक्शन वाला, तो इंटीग्रल फ्रैक्शन को पहले, सबसे पहले इंटीग्रल फ्रैक्शन को सबसे पहले आप किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में। उसके लिए टेक्निक कौन सी थी, ये हमारे पास में लास्ट टाइम में भी बताई, अभी भी हमारे पास में, इंटीजर बी बाय सी इज इक्वल टू ए इंटू सी प्लस बी बाय सी, ठीक है, और डायरेक्ट करना, फास्ट करना, ठीक है। तो देखो 1 3 3, 3 + 2 5, 5 / 3 होगा, यहाँ पे 7 3 21, 21 और 5 क्या बन जाएंगे, 26/3। फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है इसलिए डायरेक्ट एडिशन किया, यहाँ पर देखो तो डिनोमिनेटर डिफरेंट आया तो हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऊपर, नीचे वाला मल्टीप्लीकेशन नीचे, इस तरह से सॉल्व किया, ठीक है। तो ये हमारे पास में थे कौन सा, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस के नियम, ठीक है। रूल्स तो वैसे भी देखे हैं कि कब एडिशन करना, कब सब्ट्रैक्शन करना, भाई सेम साइन हो तो एडिशन करेंगे, डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। एडिशन के लिए जो साइन दिया वही आंसर हो जाएगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन जाएगा। और हाँ, माइनस किस में से करना, तो छोटे में से बच्चों कभी निकलते नहीं, बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ता, ठीक है, वो हमने देखा। तो आज हमारे पास में यहाँ पर हम जो देखने वाले हैं वो है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले तो मल्टीप्लीकेशन देखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के लिए हमको क्या करना होता है, तो वहाँ हम सबसे पहले उसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो मार्कर का थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से है थोड़ा सा, और थोड़ा सा बारीक कर देता हूँ, ठीक है। तो चलो देखो, हमारे पास इस तरह से, यहाँ पर येलो कलर से ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं पॉइंट से यहाँ पे ले सकूँ। तो पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी पहला क्या लेंगे हम यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले ध्यान में रखो, सबसे पहली चीज़, अगर कटपिट होता है तो कैंसिल कर देना, कटपिट होता है तो पहले करना। अब बोलेंगे कटपिट कैसा, भाई किसी एक टेबल में, किसी एक के टेबल में दूसरा नंबर आता है तो कट कर देना वहाँ पे, लेकिन ध्यान में रखना कटपिट करते समय कटपिट वर्टिकल करेंगे या फिर क्रॉस में करेंगे, ठीक है, ठीक है। कैसे करेंगे, या तो वर्टिकली यानी खड़े में, या फिर तिरछे में करेंगे हम कटपिट, आड़े में यानी हॉरिजॉन्टली कटपिट नहीं करना, क्योंकि ये काम करेंगे आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं करना आपको। तो चलो देखते हैं, आपका काम तमाम नहीं करना है तो ध्यान में क्या रखेंगे, कटपिट तो करना है, अगर होता है तो कटपिट करना ही है, ठीक है, लेकिन कब, ठीक है, कटपिट होता है टेबल्स में आते हैं तो, और वो भी कैसे, तो या तो वर्टिकली या तो क्रॉस में करेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टली यानी आड़े में कटपिट नहीं करना। सो फॉर मल्टीप्लीकेशन, पहले हेडिंग डाल देता हूँ मैं, क्या, फॉर मल्टीप्लीकेशन, हेडिंग डालता हूँ फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक्चुअली मैंने अलग अलग हेडिंग देनी चाहिए थी, कोई बात नहीं। पहला पॉइंट, कटपिट होता है तो पहले करना, ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पर, कटपिट होता है तो पहले करना, ठीक है, कटपिट होता है तो पहले करना, ठीक है।
उसके लिए ध्यान में रखना, ठीक है। आड़े में नहीं, लिख के देता हूँ, आड़े में कटपीट नहीं करना, आड़े में नहीं, आड़े में कटपीट नहीं करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, ठीक है, अब मान लीजिए कटपीट वगैरह हो गया, अब कुछ चारा नहीं है, तो क्या करना, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, क्या बोलेंगे आप, ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई करना, क्या बोलेंगे, चलो देखो यहाँ पर ऊपर ऊपर, ठीक है, एंड नीचे नीचे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई, यानी ऊपर का काम ऊपर, नीचे का काम नीचे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई करना, ठीक है, सिंपल ध्यान में मल्टीप्लाई करना, ठीक है। क्या करना है, क्या करना है मल्टीप्लिकेशन के लिए, देखो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे हेडिंग डाल दी है मैंने, कौन सी है हेडिंग, कौन सी है, सबसे पहले इसको समझो, मल्टीप्लिकेशन के लिए किसके लिए काम कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। क्या करना, सबसे पहले कटपीट होता है तो पहले करना आड़े में नहीं, ठीक है, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, मल्टीप्लाई करना, कैसा, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ठीक है। सो चलो जैसे अब तो एग्जांपल लेना पड़ेगा भाई, तो एग्जांपल से इसको समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास है ये 4/5 है इनटू 3/2 है, ठीक है, चलो ये प्रॉब्लम है हमारे पास में, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, चलो काम करते काम करते यहाँ पे, चलो पट से बोलो क्या करना है, मैंने कहा आपको सबसे पहले क्या करना, कटपीट होता है तो उसका काम करना, चलो कोई कटपीट होता है क्या यहाँ पर, यस यस यस, कौन हो रहा है, देखो 2 और 4 ये कटपीट हो सकते हैं, मतलब 2 से हम 4 को डिवाइड कर सकते हैं, देखो ये तिरछे में है तो कर लेना, तिरछे में है, ठीक है। सो यहाँ पर एक साथ लिखेंगे, ठीक है, किसको, कौन कट कर रहा है, तो 2 कट कर रहा है, किसको कर रहा है, तो 4 को, तो 2 कितने जा, 2 2 जा होगा, तो 4 की जगह पे क्या लिखेंगे आप, 2 लिखेंगे, ठीक है। अब 2 तो चला गया, हटा दो उसको, ऊपर में यहाँ पर कौन होगा, 3 होगा, ठीक है, और नीचे में यहाँ हमारे पास 5, इस तरह से लिख, ठीक है, हो गया काम। अब कटपिट नहीं होता तो मैंने क्या कहा, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ठीक है, तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ऊपर में मल्टीप्लाई, 2 3 6 क्या हो जाएगा, 2 3 6, और नीचे में वैसे भी सिंबल सिंगल नंबर है तो वही रहेगा, यानी 6/5 आंसर होगा, ठीक है। ये एक तरीका है बच्चों, दूसरा ये भी तरीका है, अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट मैं ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 3 12 होगा और 5 2 10 होगा, और लास्ट में कटपीट करना पड़ेगा। अब आप देखो भला 12 और 10 को कौन कट कर सकता है, 2, तो 2 6 और 2 5 ये हो जाएगा, लेकिन क्या है ना, ये बड़े नंबर हो गए, बड़े नंबर को कट करने के लिए फिर आपको भी टेंशन होनी होगी, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, इसलिए तो काम कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले ईजी काम कर दो ना, पहले कटपीट होता तो कर लो, उसके बाद में क्या करेंगे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। चलो एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे जब एग्जांपल लेंगे तो ही काम होगा। यहाँ पे मार्कर ले लेता हूँ मैं, 21/15 है इनटू, यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास में 12/28 है, ठीक है। अब देखो ना, यहाँ पर सिंपल आपने वो 4 3 5 2 कर लिया तो काम होता, उसके बाद कटपीट कर लिया तो भी काम होता, लेकिन यहाँ पे अभी नंबर तो बड़े हो गए, नंबर बड़े हो गए तो टेंशन आ गई, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चों, सिंपल सी बात है, ठीक है। सबसे पहले, सबसे पहला पॉइंट मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कहा मैंने, कटपीट होता है तो पहले करना आड़े में नहीं, ध्यान में रखो आड़े में नहीं करना, वही गलती करेंगे आप तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। अब बोलेंगे आड़े में, जैसे देखो ना ये 21 और 12 की बात करते हैं, तो 21 और 12 किसके टेबल में आते हैं, यस 3 के टेबल में आते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 7 और 3 4, लेकिन बच्चों होगा क्या, होगा क्या, यहाँ पर मैंने जो कहा वो होगा, अगर 3 से डिवाइड करते तो 3 7 और यहाँ पे 3 4 होगा, लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, आपने आड़े में, यानी ये जो नंबर से ना ऐसे ऐसे कट किए, मैंने कहा था ऐसे कट नहीं करना है आपको, ठीक है। आप कट कैसे कर सकते हैं, ये देखो ये ऐसे क्रॉस में कट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ये नंबर इसके साथ होता है तो करेंगे, ठीक है, नहीं तो नहीं करना है हमको, ठीक है। यानी आपको ध्यान में यही रखना है कि कटपीट करते समय हमको क्या करना है, कटपीट आड़े में नहीं करना, ठीक है। चलो फिर ऊपर में कटपीट होता है कि इस तरह से, हाँ सर होता है, यहाँ पे कटपीट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 से ऊपर और 3 से नीचे होता, यहाँ पे भी होता है, कर लेते। देखो ऊपर में और नीचे में करते तो 3 7 नीचे में क्या होगा, 3 5 हो गए, यहाँ पे इनटू, बीच में इनटू डाल दो, यहाँ पे इनटू डाल दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, 12 है और 28 है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 4 से डिवाइड कर सकते हैं, जो बड़ा नंबर होगा उससे कर लो, ठीक है, तो 4 3
और 4 7s हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर क्या करें, कटपिट। और बच्चों और काम हो रहा है, और काम हो रहा है तो काम कर लो। देखो 7 और 7 फिर से तिरछे में है, तो फिर से हम इसको कट कर सकते हैं। तो ऊपर में कुछ नहीं तो 3 बचेगा और नीचे में कुछ नहीं तो 5 बचेगा। 7 7 कट गए ना, तिरछे में कट गए। देखो ऐसा कट नहीं करना, यानी आपको हॉरिजॉन्टली कट नहीं करना, या तो तिरछे में करो या फिर वर्टिकली करो। रहेगा ध्यान में, तो सिंपल से ऐसा आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है, आप 21 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 15 को 20 को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद कट करो। लेकिन आपको परेशानी होंगी, आपको बड़े बड़े टेबल्स, ठीक है, या फिर 2 बार 3 बार काम करना पड़ेगा। वैसा मत करो, स्टार्टिंग में ही हटा दो उसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे 27 है अपन, यहाँ पर मान लीजिए कि 18 है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मान लीजिए बच्चों की 1 है अपन, यहाँ पर 3 है, ठीक है। सिंपल सिंपल सा है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले तो आपके पास अभी तरीके हैं, कौन से, आप 3 से 21 7 को मल्टीप्लाई कर सॉरी कट कर सकते हो। तो 3 हट जाएगा, पूरा हटेगा, तो 3 कितने जाऊँगा, 9 3 9, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब 1 नीचे में कितना हो जाएगा, 18 हो गया ऐसा, क्योंकि 3 से आपने किसको कट किया, ये 3 से आपने इसको कट किया, ठीक है। तो 3 9 27 हो गया, ठीक है। और बच्चा क्या, नीचे में 18 ऊपर में 9। अब सिंपल है, आप क्या करेंगे, 9 बाय 18 है तो फिर से कट होता है, 9 के टेबल में 18 आता, तो 9 2 18, यानी हमारा आंसर ये आना चाहिए क्या, ठीक है, हमारा आंसर ये आना चाहिए क्या, 2 आना चाहिए क्या, तो नहीं आना नहीं चाहिए वो, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप बताओ ये 18 बाय 9 होता ना बच्चों, तो बराबर यहाँ पे क्या होता, 2 आंसर आता। लेकिन यहाँ पे 18 बाय 9 नहीं है, 9 बाय 18 है, तो टेबल बोलेंगे तो कैसा, 9 1 9 9 2 18, इस तरह से बोलेंगे ना हम, यानी इस तरह से करना पड़ेगा आपको, ये ध्यान में रखना है, कुछ भी कहीं पे भी नहीं कर देना है, ठीक है। सो इस तरह से आपको क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस करना है, ठीक है। चलो एक आधा और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं, और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए कि मेरे पास ये एग्जाम्पल है, ठीक है, 3 integer 1 by 4 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 3 बाय 7 है। चलो काम करते हैं, देखते क्या होता, तो काम करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था यहाँ पे ये तो ओके है, कौन सा 3 बाय 7, ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बट दिस इज योर मिक्स फ्रैक्शन कॉल्ड एज इंटीग्रल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, इंटीग्रल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले इसको बदलना पड़ेगा, क्या करेंगे, पहले तो 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन और उसमें 1 ऐड करेंगे और नीचे में 4 वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। सो 3 4 12, 3 4 12 12 + 1, ये आएगा आपका 13 / 4, ठीक है, इंटू नेक्स्ट क्या है, तो ये है 3 बाय 7 है ऐसा, ठीक। चलो अब आगे बढ़ो, ठीक है। चलो कटपिट होता है क्या, देखो देखो आड़े में तो करना नहीं है, वो तो हो गया। अब 13 और 4 का कुछ नहीं होता, 3 और 7 का कुछ नहीं होता, 13 और 7 का कुछ नहीं होता, 3 और 4 का कुछ नहीं होता, मतलब यहाँ पर कटपिट होता नहीं, ठीक है। सिंपल सा क्या करना है, कुछ नहीं, बस मैंने सेकंड पॉइंट बोला था क्या, ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई करना, क्या करना, ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई। तो डायरेक्ट 13 3 39 और नीचे में 4 7 28, इस तरह से बन जाएगा, देखा ध्यान में। तो बच्चों ये हमारे पास में क्या है, मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हमारे पास ये चीज़ें कौन सी, तो बराबर ध्यान में रखो, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। क्या है मेन हेडिंग, तो है मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, उसमें क्या करना है, फॉर मल्टीप्लीकेशन क्या करना है, कटपिट होता है तो पहले करना, ठीक है, अगर नहीं होता तो नहीं करना, फिर क्या करना, ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अच्छा ऐसा इंटीग्रल फ्रैक्शन वगैरह आया तो पहले ही ध्यान दो कौन सा, पहले ही आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदल देंगे। टेक्निक आपके पास है ही, लास्ट टाइम में भी समझाई थी मैंने, यहाँ पर देखो ये टेक्निक आपके पास है, ये कुछ गई नहीं है, इसको समझाया ही है मैंने आपको, ठीक है, ये ध्यान में रखो सिंपल फ्रैक्शन बनाने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ये हो गया, अब हम ना एक काम करते हैं, यहाँ पर अभी हम डिवीज़न की बात करते हैं, बाद में प्रैक्टिस तो बहुत करनी है, पहले उसको समझ लेते जरा सा। चलो हेडिंग डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट कौन सा आज का हमारा, फॉर डिवीज़न, क्या बोलेंगे हम, फॉर डिवीज़न। तो डिवीज़न के लिए काम करते हैं अभी, ठीक है, डिवीज़न के लिए काम करते हैं। चलो बताओ डिवीज़न के लिए क्या काम करना है, तो यहाँ पर जो पॉइंट है हमारे पास में, पॉइंट सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा ना बच्चों, आपको दो फ्रैक्शंस देंगे, दो फ्रैक्शन का डिवीज़न आएगा, तो दो फ्रैक्शन का डिवीज़न आएगा तो क्या करना, पहला फ्रैक्शन वैसा ही रखना, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन में दूसरे को पलटाना, ठीक है। क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, पॉइंट सिंपल है, कौन सा, पहला फ्रैक्शन
फ्रैक्शन, पहला फ्रैक्शन वैसा ही रखकर, वैसा ही रखकर मल्टीप्लिकेशन में, क्या बोलेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में दूसरे को पलटाना, दूसरे को पलटाना, पलटाना, और उसके बाद में मल्टीप्लाई जो करते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन का रूल वही लगाना, ठीक है, बस कुछ नया नहीं है, ठीक है। सो चलो एग्जांपल से समझते इस बात को। यहाँ पर हमारे पास है एग्जांपल, ये एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास है 3/5, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अच्छा बच्चों ध्यान में रखो, अब इसके बाद ना ये डिवीजन साइन ऐसा बार बार नहीं देंगे आपको, थोड़ा सा अलग तरीका देंगे, हम थोड़ी देर में देखते हैं उसको, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास में 7/9 है, ठीक है, ये चीज़ है। सो हाउ मेनी फ्रैक्शंस आर देयर, देयर आर टू फ्रैक्शंस, फर्स्ट वन इज 3/5, सेकंड वन इज 7/9, ये फ्रैक्शन है हमारे पास। तो मैंने क्या कहा यहाँ पर, ये चीज़ को ध्यान में रखो, कौन सी चीज़ को, कि पहला फ्रैक्शन वैसा ही रखना। सो विच इज़ द पहला फ्रैक्शन, यानी फर्स्ट फ्रैक्शन कौन है हमारा, 3/5, उसको आप वैसा ही रखना, ठीक है, उसको आप वैसा ही रखना, रख दिया। और फिर ये डिवीजन है, तो मैंने क्या कहा, वैसा ही रख कर मल्टीप्लिकेशन में, यानी डिवीजन का क्या बना देंगे आप, मल्टीप्लिकेशन में दूसरे को पलटाना, दूसरे को पलटाना। यहाँ पे 7/9 है, आप वहाँ पर करेंगे 9/7, ठीक है, दूसरे को पलटाना। क्या किया, सिंपल, पहला फ्रैक्शन वैसे रखा, देखो पहला फ्रैक्शन वैसे ही रखा, और मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन को हटाओ, मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन का साइन रख दिया, में दूसरे को पलटाना, तो 7/9 को बना दिया 9/7, ठीक है। अब आ गया ये कौन सा, मल्टीप्लिकेशन में आ गया, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन का रूल, सबसे पहले कटपिट होता है तो कर लो, कौन कटपिट होता है, देखो 3 के टेबल में 9 आते, बट करना नहीं है, ध्यान में रखो, क्यों, ये आड़े में हो गया ना बच्चों, तो आड़े में थोड़ी ना कहा मैंने, मैंने कहा वर्टिकली या फिर आप क्रॉस में करेंगे, ठीक है, आड़े में कटपिट नहीं करना। सो फिर कटपिट नहीं होता, हटाओ, कटपिट नहीं होता तो फिर क्या करना है, सिंपल, क्या करेंगे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई करना, तो 9 ऊपर ऊपर करो, ऊपर ऊपर 3 9 जा इट इज़ 27 अपॉन 5 7 जा ये बन जाएंगे 35, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर, ऐसा सिंपल काम करना है, ठीक है। चलो अब मैंने कहा था आपकी थोड़ी देर पहले कि आपको ये डिवीजन साइन वाला ऐसा नहीं देंगे, आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। मान लीजिए कि हमारे पास है 4/7 डिवाइडेड बाय 8/ मान लीजिए कि 5 है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर ना बच्चों थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, सबसे पहला जो फोकस होगा ना हमारा, ये जो बड़ा डिवीजन साइन है, देखो ये इसके ऊपर में एक फ्रैक्शन है और नीचे में एक फ्रैक्शन है, तो हमारा पहला फ्रैक्शन कौन हो गया, क्योंकि इसको ना ऐसा लिखा जाता, ठीक है, ये जो डिवीजन साइन है आखिर में लिखना ऐसा ही होगा इसको, ठीक है, इसका मतलब ऐसा है। सो टेक्निक क्या है, पहला फ्रैक्शन वैसा ही रखना, तो पहला फ्रैक्शन कौन है, इट इज़ 4/7 है, फिर मल्टीप्लीकेशन में, ये देखो डिवीजन हटाओ, मल्टीप्लीकेशन में दूसरे को पलटाना, दूसरा क्या है यहाँ पर 8/5 है, आप यहाँ पर बनाएंगे 5/8, बना दिया ऐसा, सिंपल सिंपल वही काम करना है हमको, ठीक है। और अब देखो कटपिट होता है तो कर लो, ठीक है, तो कौन कट होता है, 4/8 को कट कर सकता, देखो क्रॉस में कर सकता, 4 पूरा चला जाएगा, तो 4 2 8 हो जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं बचेगा तो एक ही बार 5 बचेगा, नीचे में इनटू में कौन कट नहीं हुआ 7, वो वैसे ही रहने दो, ठीक है। चलो अब सॉल्व कर लो तो क्या होगा, ऊपर में 5 नीचे में 7 2 14 हो गया, ये ध्यान में रखो, ठीक है। अब मैंने कहा था आपको फोकस कहाँ करना है बच्चों, फोकस करना है ये जो बड़ा डिवीजन साइन होता है ना, इसके ऊपर फोकस करना है कि उसके ऊपर कौन है और नीचे कौन है, क्योंकि इसका ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे आंसर पर। अब इसके लिए मैं एक दो एग्जांपल और आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसा इम्पैक्ट होता है। मैं कुछ नंबर सेम लेता हूँ, ठीक है, और वहाँ पर हम देखते, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लेता हूँ 3/7 समझो, और नीचे में मैंने ले लिया 8, सिर्फ इतना ही लिया। अरे आप बोलेंगे सर ये कैसा, आपने तो फ्रैक्शंस ऊपर में बताया, नीचे फ्रैक्शन है ही नहीं। तो बच्चों मैंने कहा ऊपर में फ्रैक्शन कौन है, यस 3/7 ये हमारे पास में ऊपर में फ्रैक्शन हो गया, ये पहला फ्रैक्शन है क्या,
ठीक है, लेकिन दूसरे फ्रैक्शन की बात करते हैं तो उसमें एट डैश है, ठीक है। लेकिन बच्चों मैंने इसके पहले कहा भी है ना आपसे, क्या कहा है आपसे कि नीचे में कुछ नहीं होता तो वन होता, ध्यान में रखना। मैथ्स में पावर अगर नहीं दिखता तो वन होता, नीचे नहीं है कुछ तो वन होता, ठीक है। जिसका कोई नहीं होता उसका वन होता है दोस्तों, मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है ऐसा। देखो ये जो एट है, एट को हम 8/1 लिख सकते हैं, 8/1 लिख सकते हैं। तो ध्यान में ही रखो ना कि वो 8/1 ही है, ठीक है। सो फिर टेक्निक क्या है भाई, टेक्निक क्या है, वो टेक्निक से जाना पड़ेगा हमको। टेक्निक क्या है, पहला फ्रैक्शन वैसा ही रखना। तो पहला फ्रैक्शन कौन है, 3/7, ओके। ये डिवीजन को हटाओ, क्या लगाओ, मल्टीप्लीकेशन कर दिया, मल्टीप्लीकेशन। और दूसरे को पलटाना है, दूसरा कौन है, 8। 8 का असली मीनिंग क्या है, 8/1, इसको पलटा दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/8 हो जाएगा ना, इस तरह से होगा। यही चीज़ तो हमको समझनी है, ठीक है, थोड़ा सा ढंग से लेकिन अच्छे से, ठीक है। चलो अब कटपिट होता है क्या, आ गया वो मल्टीप्लीकेशन में, हटाओ, नहीं होता कटपिट तो 3/1 = 3, क्यों, क्योंकि ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ठीक है। 7/8 = 56, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तो आपको काम करना पड़ेगा, बस ढंग से करो, थोड़ा अच्छा सा करो, ठीक है। अब बच्चों ना यही चीज़ लेने वाला हूँ मैं, देखो यही चीज़, ठीक, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, समझने में आसानी हो जाएंगे। यही चीज़ लेता हूँ मैं, थोड़ा सा बदलाव करना चाहूँगा, 3/, ठीक है, 7/8 = अब बोलेंगे सर क्या, मैंने कहा था रेड कलर से बताया भी था, आपका ध्यान कहाँ रहना चाहिए, आपका ध्यान यहाँ रहना चाहिए, तुम्हारा ध्यान किधर है, यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पे आपका ध्यान रहना चाहिए, सबसे पहली बात वही है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर में फ्रैक्शन था 4/7, यहाँ पे था 8/5, यहाँ पे रेड कलर के ऊपर में फ्रैक्शन था 3/7, नीचे में 8 था, 8 का मतलब 1/8 था। अब यहाँ पे फिर से यहाँ फोकस करना है आपको, यहाँ ऊपर में देखो, ये जो बड़ी दंडी होती है ना, बड़ी दंडी पे फोकस करना है। तो बड़ी दंडी के ऊपर 3 है और नीचे में 7/8 है, नीचे में क्या है, 7/8 है। तो आपको ध्यान में रखना है कहाँ कहाँ पे क्या है। तो ये हो गया आपका पहला फ्रैक्शन, लेकिन बोलेंगे सर फ्रैक्शन तो दिख नहीं रहा। अरे मेरे मुन्ना, यहाँ पे फ्रैक्शन का मतलब क्या, 3/1 होता ना, वही तो करना है, ठीक है। एंड सेकंड फ्रैक्शन इज 7/8, दिस इज द 7/8। फिर चलो टेक्निक क्या थी, ओहो टेक्निक यहाँ पे गई है ऊपर, पहला फ्रैक्शन वैसा ही रखना। तो पहला फ्रैक्शन कौन है, 3, एक्चुअली 3/1 है, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे यहाँ पर, विल पुट हियर 3, यहाँ पर लिखेंगे हम 3 और इनटू मल्टीप्लाई, डिवीजन को हटा, मल्टीप्लीकेशन में दूसरे को पलटाना, तो दूसरा कौन होगा, 7/8, पलटा दीजिए तो 8/7 होगा, इस तरह से, ठीक है। अब अगर आपको लिखना है इसके नीचे तो यू कैन राइट हियर 1, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे वही चूंगा ना जो कटपीट होता है वाला पॉइंट, कटपीट नहीं होता, ठीक है। तो फिर ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सो 3/8 = 24 एंड 1/7 = 7। ये 1 नहीं लिखा होता तो भी चल जाता बच्चों, तो भी चल जाता, ठीक है, लेकिन मैंने तो लिख दिया, ठीक है, मैंने लिख दिया, कोई हरकत नहीं, इसको हटा देता हूँ। जा भाई तुम थोड़ा सा नीचे आ जाओ भैया, हमको देखना है कि हमारा क्या क्या चल रहा है यहाँ पर, ओके, यही तो हेडिंग है हमारी, ठीक है, फॉर डिवीजन। व्हाट वी डू, वी जस्ट पुट द फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज एंड इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन वी मेक द इनवर्स ऑफ सेकंड फ्रैक्शन, हम उसका इनवर्स बना देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे पहला फ्रैक्शन जैसा ही रखना और दूसरे का इन्वर्स बना दो। पलटाने का मतलब क्या है, इन्वर्स बनाना, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, पलटाने का मतलब इन्वर्स बनाना, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया बच्चों, यहाँ पर सिर्फ हमने अभी तक जो है एडिशन के रूल्स, मल्टीप्लीकेशन के रूल्स, सब्ट्रैक्शन डिवीजन के रूल देखे, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, ये देखा, ठीक है। अब होता क्या है कि पढ़ा देना ही काफ़ी नहीं होता, आफ्टर दैट द प्रैक्टिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। सो प्रैक्टिस करने के लिए मुझे आपको क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे आपको थोड़ा सा होमवर्क देना पड़ेगा। दे दूँ, चलो थोड़ा सा होमवर्क मैं साइड में लिख देता हूँ, यहीं पर आपको मैं थोड़ा यहाँ पर होमवर्क देना पसंद करता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं होमवर्क दे देता हूँ, थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पर होमवर्क करके, ठीक है। तो होमवर्क क्या है, आपको सिंपल 2-3 चीज़ें दे देता हूँ, आप घर पे उसको करते रहिए, ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं, ज़्यादा चीज़ नहीं दूंगा आपको, ठीक है। 3/7 +
13/7 ये ले लो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग अच्छा नहीं हो रहा, ये पहला। दूसरा आपके पास है, ठीक है, 4/9 माइनस 3/8, ठीक है। तीसरा आपके पास ले लेते ये, ठीक है, 13/4 इंटू 17/39, ठीक है। और एक और ले लेते डिवीज़न में, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हमारे पास में है 3/17 है, डिवाइडेड बाय हमारे पास में है 8/, ठीक है, ये 8 है ध्यान में रखो, 8/5, ठीक है। और थोड़ा सा और थोड़ा सा ऊपर चले जाते और एक आपको ना और क्या कर लेते, एक और दे देते आपको, ठीक है, यहाँ पर। तो ये ले लो आप एक और क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में 3/4 अपॉन 17, ठीक है। और थोड़ी लालच आ गई मुझको, मैं थोड़ा सा एक और आपको दे देता हूँ, ठीक है। सो आप इसको थोड़ा सा बदल सकते हो। ये हमारे पास में है 6 प्रॉब्लम, ठीक है। क्या है हमारे पास, 3/4/17, ठीक है। दोनों में फ़र्क है, ये 3/4/17 है, ये 3/4/17 है, ठीक है। सो ये आपके लिए क्या हो गया, थोड़ा होमवर्क हो गया, ठीक है। सो चलो इस होमवर्क को आपको क्या करना है, करके देखना ना आप, यहाँ पे दिखा आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में थोड़े कुछ रूल्स और कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स लिए थे हमने, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे करना, क्या करना, इस तरह से। नेक्स्ट क्लास में हम इन सब की क्या करेंगे, कंबाइन थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।